अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा पेशेंट नौमान है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसने इसको ग्रेड 3 ACL दिया था, बाकी तहसील लघू मंडी वहां से इसका ताल्लुक है। इसने पहली 3 से ओपन ACL रिकंस्ट्रक्शन करवाया। ओपन ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद रिहैबिलिटेशन पे तवज्जो नहीं दी गई और उसके बाद जो है वो नी ज्वाइंट 0 to 15 degree रेंज ऑफ मोशन के साथ इसने गुजारा करना पड़ा, उससे ज्यादा इसने मूवमेंट अचीव नहीं हुई, चलने फिरने में दुश्वारी थी और रिहैबिलिटेशन ना होने की वजह से रूटीन के जो लाइफ थी वो सारी डिस्टर्ब थी। प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर था ये बंदा और अपनी लाइफ प्रोफेशनल लाइफ भी जो है मुतासर हुई। हमारे पास आया रिवीजन, हमने इसका किया, उसमें जो इम्प्लांट से जो स्क्रू से वो निकाले और इसके अलावा आर्थ्रोफाइब्रोसिस हुआ हुआ था उसकी हमने डिब्राइडमेंट की, रेंज ऑफ मोशन अचीव की। तो पेशेंट को फिर हमने इसके रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल से फॉलो किया। आज ऑपरेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह हो गए हैं। पेशेंट ने विदाउट सपोर्ट चलना शुरू किया हुआ है, साइकिल चला लेता है और रूटीन की एक्टिविटीज जो है वो अपने काफी हद तक इसने रिज्यूम कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी के रिजल्ट जो फर्स्ट स्टेज रिवीजन है उस हवाले से पेशेंट काफी मुतमईन है, सेटिस्फाइड है और 6 से 7 माह के बाद इंशाल्लाह हम इसका रिवीजन ACL रिकंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। थैंक यू।